चौ कौन तू नौ माल आइयो चलो जो विनोद भैया मोहल्ले ने बता में चले लला बोलन और लुल्लन तुम लोगों ने अबू तमीज ना आई आओ काय इतनी सर्दी में अबू जे कपड़ा पहन दे भाई हो और तुम जे कौन सी लंगोटा बांधे भाई तुम भी तो ऐसे ही कपड़ा पहने तुम्हारे भी तो हाथ दिखाए रहे अरे लला का बतावा जो हमारी छठी मिलो दूसरों को ज्ञान दे रहे पहले अपने ना ही देख रहे बोलन भैयो विनोद भैयो घर के पड़ोस में कब आग लग गई आग ना लगी घर के पड़ोस में बहुत मस्त भाभी आई क्या बात कर रहा सही कह रहे बिल्कुल सोने सोने सा बदन चांदी सी नजर रेशम से बाल मतलब जिसको ढूंढा गलियन बगिया वो मिली घर की खटिया क्या बात है नाटू हाँ भैया अब तो मेरे दिल की घंटी बजी अब तुम लोग अपने अपने देखो हम तो चले बात कैसी कर रहे हो मतलब हर काम में अपने लोग साथ रहते हैं तो जब भाभी पठान के लिए भी साथ रहे हाँ सही कह रहे साथ रहे अरे यार जाना इंसा बिना भाभी एक अपने चार तो का वो चारों लोग अपनी अपनी किस्मत अजमाओ जिससे भाभी पड़ी है भाभी उसकी बाकी तीन लोग चुप्पा से पीछे दिया बिल्कुल सही विनोद भैया तुम्हारी बहुत खरी बात लगी हमें तो फिर चलो उठो चलो रुको 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 ऐसे नहीं जाओ हम कपड़ा बदल ले में ताकि बात चली है कैसे पिछली दफे गुलाम होने हमें कपड़ा देख के रिजेक्ट कर दो तो और तुम भी कह रहे कि सर्दी आ रही है तो कपड़ा बदल लो हम सोच रहे कपड़ा बदल ले तो फिर जाओ कपड़ा बदलो जाए हम लोग जा रहे हैं चलो ऐसे नहीं कपड़ा हम बदल ताकि बाद सब लोग एक साथ चलो तो फिर जल्दी जाओ जल्दी बदल के आओ चलो चलो फिर हम घर चल चलो आओ देखो रसीली जी है अपने सपनों का महल कैसा लगा ये क्या तबेला बना रखा है तबेला और क्या इसमें तो करोड़ों रुपया खर्च हो गया तुम तबेला बता रही हो इसे क्यों जा बताओ तुम हमें यहाँ ले तो आयो यहाँ के आदमी छिनरा मक्कार तो नहीं है जो हमें छेड़े तू पागल हो गई का ये कुंवारी लड़की कोई नहीं देखा तुम तो फिर भी शादी शुदा हो और कुछ खूबसूरत होती तो बात होती अरे तुम बहुत खूबसूरत हो तुम्हारी बात ही अलग ये सारे हमें छोड़ी आए हैं हमने कहीं कपड़ा पहन ले चले आए अकेले हमने कई दिन कपड़ा बदल लिया ताकि बात चलियो अकेले मने उन्हें आई अरे यार हमने तुम्हारा बहुत इंतजार करो हम क्या करें इंतजार करो इनसे भी कई तुमने अरे ये देखो माल है जल्दी अरे यार नाटू कमाल है भाभी बहुत अच्छी है कतई कंचा है कंचा ना थारे अभी कंचा गोली खिलवा मैं हाय 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 चली गई जाए सारे उल्टे सीधे सारा बाजी करी जाए सारे उल्टे सीधे सारा बाजी करी तभी चली गई बचाओ बचाओ कोई है बचाओ जी मारपीट के बाजी कैसी आ रही है लड़ाई हुई लड़ाई लड़ाई किससे हुई रही आपस में हुई उनकी अरे तो देख कर रहा है इससे अच्छा मौका नहीं मिले भाभी को पटान में सही कह रहे तुम हाँ जल्दी से बचाओ चले और भाभी दिल जीत लो चलो क्यों मार रहे भाभी जी को क्या बात हुई गई हाँ क्यों मार रहे क्या मार रहे कुछ नहीं शराब पीने के लिए रुपए मांग रहे हमारे पास रुपए नहीं हम कहाँ से रुपए दे दे दिल्ली में अच्छी खासी नौकरी करत तो यान मरन चलो आओ ज्यादा जमान उल्टी सीधी चला रही तू शर्म ना आ रही इतनी खूबसूरत भाभी तू शराब के लिए रुपया मांग रहे हो शर्म तो आ रही
लेकिन क्या करें, अमृत पियन के लिए हाथ भी चला सकत और जूता भी चला सकत। तुम्हें ज्यादा हमदर्दी हो रही तो तुम रुपया दे दो यार। कितने पिए बता, तू कितने पिए? अरे भैया तुमने यार कैसी बात करता है, रुपया हम भाभी के लिए तो जान भी दे दी अपनी, तो दे फिर। कहा रुपया या जान? रुपया दे, जान कौन मांग रहा हूँ। लुलना जाके मुँह पे गड्डी मारे, एक गड्डी मार। मेरे चीज कहाँ है रुपया? मेरे चीज बस 3400 रुपए पड़ रहे। ले 3400 रुपए पड़े। विनोद भैया तुम दो। मारे तीर खाली 20-25 रुपया पड़े हैं। नाटू तू रुपया दे। अरे गुजिया में 41 रुपया जीते भाई हमारे पास है, बताओ दे दे। भैया 150 रुपया बने, इतने काम चल जाए ऐसे हुआ। चुप्पा नीचे उतर लो और घर जाओ, तुम्हारे बस की नहीं जो हमें पिला लो। बड़े आए भाभी चहीते, सारे भाभी पठान चले आए, भाभी पठान चले आए, रुपया एक नहीं लेके आए। तुम कितने ले आए? जितने रुपया में दे 34 रुपया में दे, तुम भी दे, दूसरे में ज्ञान पे लो 25 है पूरे। ला ला तू भी दे, निकाल निकाल। हाँ तो क्या कह रहे तुम, हम तुम्हें पिलाए ना पे। ए सुनो भैया ठिया ले चलो और जितनी पिए इन्हें उतनी पिलाओ। हाँ। ना हम ठिया ही अब ना जाए, हमें रुपया दे दो, हम अपने घर में पी लिए। अरे ऐसे कहे, तुमने पीने वाली बात कही, हम पिलाए तुम्हें पास का, तुम्हें पैसा का मतलब। ले ले नाटू पकड़ पकड़ाओ, ले चलो ठिया अपने। अरे नहीं ना, अरे ऐसे कैसे ना, नहीं भैया रुपया दो। अरे हमें नहीं पिए। अरे यार ले ले ये लो भाभी, ये लो रुपया और जा लो आराम से खाना बनावा और खाओ। ले ना पकड़ाओ, ले पकड़ो। और तुम्हें कोई दिक्कत हो जा लो हमारा नंबर, तुम्हें कोई दिक्कत हो तुरंत फोन करियो, हम तुम्हारा पूरा ख्याल रखे हैं। ले कहे तुम कहे हमारा ख्याल रखियो, हम आपके हैं कौन जो हमारी मदद करियो। अरे हम तो समाज सेवी हैं, बस सेवा करने का मौका ढूंढते रहते हैं। और जा कह रहे जो हमारे साथ में जो लोग आए थे वे बहुत खराब हैं, वे तुम्हें पटान की सोच रहे। और तुम क्या करन की सोच रहे? बताए तो हम समाज सेवा करते हैं, बस भाई समाज सेवा करने की सोच रहे। हो गई समाज सेवा, चलो जाओ यहाँ से। बुरा ना मानो भाभी, तुम चलो जाओ। जा रहे जा रहे। जा कह रहे भाभी, जा कह रहे तुम्हारा नाम क्या है? रसीली। अच्छा रसीली नाम तो अच्छा है। और तुम्हारी अम्मा का नाम है? चाशनी। चाशनी। और तुम्हारे पापा का नाम है फिर? रसगुल्ला। रसगुल्ला। तो एक काम करो, जलेबी और इमरती और रख लो, पूरी दुकान खोल लियो मिठाई। ठीक है अच्छा जा रहे जा रहे। अरे बात सब छोड़ो जुल्फू भैया, जा बताओ दिल्ली से कहाँ चले आए? अबे तो तुम्हारे काम सीजन चल रहा हो। अरे ससुर तुमने कहा पूछ लो यार, जहाँ हमारी मेहरी आए बहुत खराब है। काय का कर दो? अरे जी टाइम से पीएन नहीं देते। का खराब और का? अरे हम तो कचौरे ही समझे। अरे ऐसो भाव भैया, आदमी सुबह से लेके शाम तक कंपनी में मराए रहो भाई, तो जब बताओ अगर उन्हें दो घूट डाले तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, चाय सारी दिक्कत या पीएन नहीं देते। इनने ऐसे भाव, हम खाना खा रहे थे, हमने दो ढक्कन अपने भाई गिलास में बनाए लो पैक, हम ऐसे कर पीएन जा रहे, इनने लात दी भाई दूर गिरो पैक, खनक गई खोपड़ी हमने। अरे हमने ऐसे कही थे, हमने उठाओ डंडा धन आधन धन आधन पीठ तोड़ दी बाकी। यही कह रहे हो, हमने धीरे से गेट बंद करो अपनो, सो गए 12 बजे गेट खटखट, पता नहीं भूत ऊत आएगा का। गेट खोलो पुलिस गाड़ी कहे, समझ में नहीं आई कुछ, मत कट गई। हमने कहा वो बोले जा बताओ तुमने अपनी मेहरिया का ही मारो। अच्छा। मेरी मेहरी आने 10 रुपये कर दो तो फोन। हमारी जमीन खिसक गई नीचे। अब भैया जिस डंडा से हमने अपनी औरत को मारो भाई, डंडा से पुलिस ने जोड़ा जोड़ जोड़ा जोड़ जोड़ा जोड़, ऐसी कोई जगह नहीं जोड़ी जहाँ पिटे ना। हमें गुस्सा आई, हमने हुई गो दिल्ली में काम, हमने गेट डालो ताला, हमने चल गाँव तुरंत ही गाँव ले आया। सही करो अब जाए, इसकी अकल ठीक आ जाए कतई। और जा कह रहे वो शराब आई नहीं, कहाँ कौन किसे भेजो? अरे वो भूल गाओ लेके आ रहे हो जल्दी आवो। 4-5 यार और ठीक है, 3-3 और चकना नमकीन हो। ए इधर आओ, इधर आओ सब लोग। अरे जुल्फू भैया तुम बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे बैठे। सुनो मेरी बात ध्यान से, जा है रॉयल ग्रीन और जा है ब्लैक बकाडी, समझ रहे हो? अगर जा को एक घूंट तुम्हारी बॉडी के अंदर पहुंच गो समझ लो बेहोश, और अगर बेहोश हो गए तो समझ लो मामला चौपट। गया है सारे जुल्फुआ को पिलाए पिलाए कद्दू बेहोश, और जैसे ही जो बेहोश भाओ
भाभी अपनी तुरंत चांद मारो चले। सही कही, समझे? बहुत बढ़िया, बैठो चले। दोबारा से होश में आएगा फिर पिला दो, फिर भी होश कर दो, तुरंत ही चलो भाभी पटाओ, चले समझ गए? चले चलो चलो। भाभी समझ लो अपने लोगन की है। ओए रुको, यानी रुको, सबसे पहले हम जा रहे भाभी से मिलने, ठीक? इधर सुनो, सबसे पहले भाभी हमने देखी तो हम ही जाए। जे ना जे यार, नाटू तू ना जे, समझ ली? देखो बुल्लन भैया, ज्यादा नाइंसाफी वाली बात मत करो। जा 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 जा, तो जा मर ले जा, बाहर खेल ले जा अकेले। भाभी 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 हो गया फिर से हरामी, तुझे देखा है तो जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, कहीं मत जा, इधर आ, इधर। काय नाटून बाजी मार ली का? बहुत देर लगाई थी। कोई सगत आराम ही है, मार ली हो तो मार ली हो। सही कह रहे हो। चा तो बहुत बड़ी बेइज्जती हुई, मार देने लोगों ने पन्नो चाहिए। भैया मजा आइयो, भैया कसम मजा आइयो, भाभी ने इतने चुम्मा ले कि जान छुड़ाई बादल पर। अरे नहीं का, अब भैया तुम अपनो अपनो देखो, अब तो भाभी हम पे ना चले, हम चले तो अब हम जा रहे, ठीक है जाए। भाभी तेरे मस्त मस्त दोने यार इन्हें नाटू कही थी चुम्मा दे, हमें कूट के दे दो। भैया किसम भाभी ने ऐसे चुम्मा दे, ऐसे चुम्मा दे, बहुत ही इम्प्रेस करता हूँ, मजा आयो करता ही बहुत। हमने कही देखो तो हम जा रहे, मिले जो तेरे नैना
हमारे नैना से चला के सजा दूं। इन हरामियों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। भाभी यार जा, तुम्हारी गलत बात है, तुमने मेरा दिल तोड़ दो। तुमने तो बोला था जब आप खराब हैं, इसलिए पेल के मारा। क्या गलत किया है? पेल के मारा? लेकिन भाभी वो तो लोग कुछ और ही बोल रहे थे। अरे भुल्लन, तुम तो बिल्कुल पागल ही हो। वो ये थोड़ी कहेंगे भाभी ने मार लगाई, अपनी बेइज्जती थोड़ी करवाएंगे। हाँ जा, बात तो तुम सही कह रही हो। अच्छा भाभी एक बात कहें, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। थैंक यू। और जा कह रहे तुम्हें कब टाइम हमारी जरूरत पड़े 24 घंटे सेवा उपलब्ध है, समझ गई? ठीक, अब हम चल रहे हैं, कोई भी दिक्कत हो तुरंत फोन करिए। जा साले को तुम बताए जाएंगे। भाभी काय कितने कितने चुम्मा लाए तुम लोगों ने? अरे अनगिनत अनगिनत लाए, मेरो चुम्मा ही चुम्मा है। सारे भाई जे थप्पड़ दिए, सीधे हो जा, मन पिटकुट के चले आए और बता रहे चुम्मा लाए। किन्ने गई पिटके चले आए? किन्ने गई रसीली बताइए हमें। आज से भाभी की तरफ देख मत लियो, आज से तुम लोगों ने भाभी है और हमारी शादीशुदा गर्लफ्रेंड, समझ लई? बाकी तरफ नजर उठाए मत देख लियो। मना कर रहा मत देख लियो, मत देख लियो, लेकिन फिर देख रहा हूं तू। चल घर आओ। क्या बता रहे थे? अनगिनत चुम्मा ले भाभी ने, अनगिनत। साले सकल ले गई, सकल बंदर की सकल भी तो उससे अच्छी है। अनगिनत चुम्मा ले बातें कर रहे। और तुम्हें 60 साल के हो गए, तुम्हें तमीज नहीं आ रहा है, जवानी झा रही अभी भी तुम्हारे अंदर। अच्छा साले देख लो कैसे पहुँचो भूल के। और तो और हम भाई अपना फोन नंबर तुरंत आए दया है, आप हो जाए 3-3 बजे तक कॉल। हेलो बाबू, अब देखो तुम भाई फोन आ जी, किसको फोन कर रहा हूँ? हेलो। अरे बुल्लन, हम बोल रहे तुम्हारी नई वाली भाभी। हाँ भाभी बताओ। हाँ फूफा बताओ क्या कर रहे? अरे मेरे प्यारे बुल्लन, तुम तो जानते ही हो मेरे पति मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। क्या बात हुई, मार रहा होगा? नहीं बुल्लन, मार नहीं रहा है, हमें बहुत तेज बुखार चढ़ो है और मेरे पति भी नशे में धुत पड़े हैं। तुम लोग ने कल ज्यादा पिलाई दी और तुम हमें 5,000 रुपया दे दियो, हम दवाई ले आए जाके। अरे कैसी बात कर दई बुल्लना, गोद में तुम्हें दिक्कत आ जाए। अब आए लो, 1 मिनट के अंदर 5,000 का 10,000 रुपया भिजवा रहा है, 1 मिनट के अंदर। थोड़ो रुको बस, ये बैठियो। हेलो। अरे फूफा हम जा कह रहे हमें 5,000 रुपया दे दो, हमें जरूरत है। 5,000 रुपया? अरे यार फूफा, तुम फिर वही अपनी फूफा गिरी दिखाने लगे यार के नहीं है। अरे वो तो बात ठीक है, लेकिन इतने रुपया को करे का? अरे करिए का, वो हमारे दोस्त की बहुत तबीयत खराब है, बाकी दवाई के लिए 5,000 रुपया जरूरत पड़ रही, तो तुम दे दो, तुम्हारे पिछले अगले सब मिलाए मिलू दे दिए। हाँ, रुपया नहीं लिए? नहीं लिए। ठीक, तो तुम उसे फोन कर दो। हाँ ठीक है, हम फोन कर रहे हैं तेरे। ठीक 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 ठीक, जा कह रहे बे हमारे फूफा आएगा संतोषापुर पुलिया खड़े है, तो हमने बुलाए के ले आ रहे, ठीक तब तक तुम लोग यहीं नहीं बैठी हो, ठीक हम जा रहे हैं। जो फूफा नहीं बुलाने गो, जो फूफी मिलने गो, चाल खेल गो अपने साथ। तो अब क्या करें? अब क्या करें, पीछा करो और क्या करे हो? भाभी, ओ भाभी आ जाओ। आ गया, आ गया। अरे भाभी की तबीयत ज्यादा ही खराब लग रही है।
भाभी 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 उठो, क्या हुआ भाभी, क्या हुआ भाभी, क्या हो गया? ले आए रुपया दियो। अरे भाभी, जियो की टावर और भुल्लन की पावर को तुम्हें अंदाजा नहीं है। डॉक्टर के पास चलो, अगर वो दवा के रुपया मांग ले तो होने ही मुझ मुड़ा दिए होने ही। तुम उठाओ, चलो मेरे साथ चलो। अरे भुल्लन, तुम काहे परेशान हो रहे हो, तुम हमें रुपया दे दो, हम दवाई ले आए। अरे ऐसे कैसे दवा करा लियो, कहीं चक्कर खाएगी कि नहीं, तो का हुई है, हम क्या करें फिर? चलो मेरे साथ चलो, आओ। अरे आओ, अरे उठाओ, चलो दवा ले चले। जा सारे ने हमारी औरत छीनने को पूरा इरादा बना लो। ले हमने क्या कही, जो ले यारो घुमान के ले। तो अब क्या करें फिर? अब क्या करें, आपको पीछा करे और क्या करे। चलो आओ फिर भाजी। तुम भाभी टेंशन ना लियो कतई, जब बुल्लन है ना पूरे गांव को ऐसे समझ लो सबसे खूंखार आदमी है, सब आदमी डरते हमसे, सही बता रहे तुम्हें, तुम कतई मत डरियो। हाँ, और दवा हम तुम्हें एक नंबर दिवा रहे, अब तबीयत ठीक हो तुम्हारी। साले तुम लोगों से बाद में निपटे हैं, पीछा करने लगे मेरो। भाभी तेरी भाभी की तैसे रुक, उतरो भाभी जल्दी उतरो, तुम्हें दवा दिलवाई करेंगे। आओ, अरे आओ, डरो मत तुम, तुम डरो मत का सही, आओ आओ इधर इधर बैठ बैठ जाओ। हाँ बताओ क्या दिक्कत है इनको? अरे कैसे डॉक्टर हो, अगर हमें दिक्कत ही पता होती तो तुम्हारे पास काहे लाते डॉक्टर का मुंह सर के हो, और जल्दी जल्दी दवा दो इन्हें, और कल्याण फूफा तुम्हारे पास फोन आओ दो। हाँ फूफा को तो फोन आओ दो। हाँ तो भैया है हम, जल्दी से इन्हें दवा दो। अरे इनको दवा काहे की दें, ना तो खांसी है ना बुखार है। अरे ऐसे कैसे ना ही खांसी बुखार है, जब रुपया नहीं दे रहे तो जाके मतलब इन्हें कुछ बीमारी नहीं है, जल्दी से इनके सुई लगाओ और दवा दो। अरे ऐसे कैसे सुई लगा दी ना, कोई बीमारी नहीं है। ए भाभी देखो सुई लगवाओ तो। ए सुई लगाओ। अरे जब कोई बीमारी नहीं है ऐसे कैसे सुई लगा दें? हम कह रहे लगाओ, चलो ओए भाभी उठो सुई लगवाओ, चलो जल्दी आओ, चलो आओ। देखो भाभी चूड़ी लेके आए, पसंद नहीं तो ले लियो। चूड़ी देने को टाइम है, चूड़ी देने को टाइम है। रसीली भाभी तबीयत खराब, तुम चूड़ी पहना रहे तो हमें क्या बच्चा तबीयत खराब है। बुल्लन को जहां पापा होता है भाभी तुम जानते ना ही हो। वह ले उतरा आएगा तुम्हारा घर जा, कह रहे भाभी तुम्हें घर तक छोड़ दे ऊपर। नहीं हम चले जाएंगे। चलो अब दवा दिवाई दे, अब कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब कोई दिक्कत। कहाँ ले गए थे तुझे हरामखोर? तुम बिल्कुल चूतिया, तुम्हारी आइडिया के चक्कर में छिनरों ने मेरी सुई लगवा दी। इन सालों सबको ऊपर बुलाओ, इन सबको ऊपर बुलाओ, इन सालों मार मार कुत्ता ना बनाया तो मेरा नाम जुलकुना है, बुलाओ सबको ऊपर बुलाओ। अरे सुनते हो, सभी लोग ऊपर आ जाओ, मुझे कुछ काम है। क्या जरूरी काम है? चले आओ आओ जल्दी आओ, चलो यार जल्दी से आ जाओ, भाभी पता नहीं काहे के बुला रही, काहे बुला रही भाभी। चलो चलो अंदर चलो, चलो चलो चलो। सालो तुम क्या समझ रहे थे हम शराबी हैं? हम दोनों कर रहे थे नाटक तुम लोगों से पैसा लूटने के चक्कर में, वो तो उसी दिन समझ गए जिस दिन तुम हमारी औरत को छेड़ रहे थे। हाय हाय कर, हाय कर, हाय। काय तुम क्या कह रहे थे, तुम्हारे गांव में कोई छिंदरा मक्कार नहीं है, नीचे देखो लाइन लगी पड़ी है, लाइन। क्या बात कर रही, लाइन लगी? ये साले लुल्लना निसारा करो, उल्टो सीधो तभी चली गई मैं। ओ तेरी, ये तो लाइन लगी। इधर आओ रसीली, इन बैठो, मेरी बात सुनो ध्यान से, जे नीचे जो लुच्चा लफंगा खड़े जी अब ऐसे तो ना मानी है, और अपने लोगों को भी जाई गाँव में रहने, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आ हुआ है। का बताओ? मेरे दिमाग में आइडिया जा हुआ है कि देखो हम तुम्हारे साथ कर रहे हैं मारपीट है,
और तुम जो जोर जोर से चिल्लाई हो। हम तुमसे बोले हमें शराब के लिए पैसा दो और तुम जाके यो हमारे पास शराब के लिए पैसा ना है, शराब के लिए पैसा ना है, तुम मना कर रही हो। और जे लोग हमदर्दी में तुरंत ऊपर चढ़े चले हैं, बस होने से अपने लूटना स्टार्ट कर दो। बात तो सही कह रहे, तो फिर ड्रामा स्टार्ट करें। तभी हमने ये आइडिया बनाया तो, लेकिन क्या करें, फेल हुई गो। और जो शराब पे आई थी वो? अरे वो हमने सब उंगली करके निकाल दी थी। उंगली करके? उंगली कहाँ करी? अरे हलक में उंगली करके सब उगल दी थी हमने। रसीली जा, धोखे का अंजाम बहुत बुरो, ये बहुत बुरो। साले सिर्री, एक तो जबरदस्ती सुई लगवा दी और अंजाम बता रहा है।